सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। रिश्ता लेकर आए हैं। पर आपने तो कहा था मैं भी और पढ़ सकती हूँ। अगर चतुरलाल ने ये पढ़ लिया तो मतलब हम उल्लू हैं। तुम उल्लू बन गए, ठीक पढ़ा ना, तुम उल्लू बन गए। क्या चाचा, बात क्यों नहीं करते? हफ्ता होने को आ गया। और क्या, ऐसे थोड़ी चलता है। मैं बात करूंगा, आप क्या आएंगे तो मुझे बात करने देना। अरे चुप कर, मैं बात करूंगा का बच्चा खाना का। अरे कई बार हम कोशिश किए रमेश पा से बात करने का, पर अब उसका स्वभाव ही कुछ ऐसा शांत सा है। हाँ तेरी बात ही हो रही है। चाचा खाना खा लो। नहीं मैंने खा लिया, बाहर सोने जा रहा हूँ। क्या भैया कितना गुस्सा है। वैसी ये गलती सब तुम्हारी है चतुर, ना तुम उसे झूठ बोलते, ना उसे शक होता, और न ही तुम मेरा सर खाते। अरे भाई आ जाएगा लाइन पे, थोड़ा जज्बाती है। अच्छा नहीं लगता, हम लोग पहले उनको घर से बाहर धकेल दिए हैं, अब वो हमसे नाराज है। हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, आप ही समझाइए ना जाकर उनको। हाँ समझाएंगे समझाएंगे, वो आ जाएगा। तनिक गर्म खोपड़ी का है ना, लाइन पे आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा सर मत खाओ। हाँ। अब देखना बाबू, तुम थोड़ी देर में पढ़ना शुरू कर दोगे। थोड़ी देर में क्यों, हम अभी पढ़ सकते हैं, पढ़ के दिखाते हैं आपको। ब र ब र ब र स ब र, उसके ऊपर आ की मात्रा तो हुआ बरस आ। बरस आ नहीं बापू, बरसा। ठीक है ठीक है, अभी तो पढ़ना शुरू किए हैं। बता दे हंस क्यों रहे हो तुम लोग, क्या सुबह से बड़बड़ा रहे हो? पिछले हफ्ते पढ़ तो दिया था उन लोगों ने। गड़बड़ है बड़बड़ है बड़बड़ है गड़बड़ है, मुझे लगता है यहाँ सब गड़बड़ है। कुछ भी कहो भैया, हमारा तो दिल उठ गया उनसे। हाँ अभी तो तुम्हारी बात भी ठीक से नहीं हुई और तुम्हारा जी उठ गया। मैडम ने गाली दे दी क्या? अरे मैडम की बात कौन कर रहा है, हम तो सर जी के बारे में बोल रहे हैं। हम तो है पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे थे भाई। अम्मा तुम सिर्फ बात ही करते रहना, करना मत। मतलब अम्मा कितनी प्रौढ़ शिक्षा केंद्र है जहाँ तुम जैसे लोगों को पढ़ाई सिखाई जाती है, जाते क्यों नहीं है? अब हमारी उम्र नहीं रही उसकी, हमें तो बहुत शर्म लगती है भैया। तो फिर ठीक है यूं ही बैठे रहो, पान बनाओ और पान खिलाओ बस। अरे भैया पान बना ही रहे हैं तो एक पान हमारे लिए बना दीजिए। अरे हमारे पान में बात ही कुछ ऐसी है, पढ़े लिखे को भी सवाद आता है। क्यों भैया? पढ़े लिखो का तो हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें बड़ा मजा आता है। क्यों रमेश,
कुछ लोग ऐसे होते हैं भैया जो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पढ़ा लिखा कहते हैं पर अंदर से होते हैं खोखले। रमेश आज की दुनिया में भाई साहब कुछ पता नहीं, धोखा ही धोखा है। क्या तुम समझते हो भैया अपने आप को, नाराज कर दिया ना चतुर भैया को, चलेगा बस। मालूम नहीं पर हमें समझ आ रहा है सब कुछ धीरे धीरे। देखो देखा ना कितना आसान था। हर एक काम का एक सही रास्ता होता है और जब हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो काम अपने आप सुलझ जाता है ना? मैडम अब वो तो रोज ही मेरे पास खुद ही करने आते हैं। बहुत अच्छे, अगर हम में से हर एक अनपढ़ को पढ़ाए तो कितना अच्छा। मैडम सब बचपन में खुद ही क्यों नहीं पढ़ते, सब झंझट ही खत्म हो जाते। प्रकाश बहुत से लोगों के पास मौका नहीं होता, अब तुम अपने आप को ही ले लो। अगर तुम्हें चतुरलाल जैसे इंसान नहीं मिलते तो तुमने भी पढ़ाई छोड़ दी थी ना। ना भैया ना, अब हम तुम सब लोग को देख लिए हैं, हमसे नहीं होगा बस। और वैसे भी हमारे लायक कोई ढंग का काम भी तो नहीं है यहाँ। अरे राम भैया ये शहर है यार, थोड़ी एड़िया तो रगड़नी पड़ती है ना। हम भी बहुत एड़िया रगड़े थे शुरू शुरू में, अब इतना टाइम तो लगेगा ना। कितना? अब इतना टाइम नहीं है अपने पास, वैसे भी गांव से चिट्ठी आ गई कह रहा वहां पे हालात ठीक हो रहे हैं, तो क्यों ना वहीं जाएं? नहीं थोड़े दिनों यहीं रुक जाते। अब तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम रहा नहीं, सारा दिन ऑटो रिक्शा चलाते हो, रात को आकर पढ़ाई करते हो, अब इन सब के बीच में हमारी नौकरी फिट नहीं लगती। नहीं नौकरी ना सही, थोड़े दिन रुक जाते। रुकेंगे मगर गांव चलकर। अब देखना वो जरूर प्रकाश को ले जाएंगे। हम कितनी बार कह चुके हैं हम कुछ नहीं कर सकते, उनका बेटा है ले जाएंगे। मुझे नहीं पता वो नहीं जाएगा। कैसी बात करती हो तुम, यहाँ कहाँ रखेंगे उसको? हमें नहीं पता कैसे कहाँ कब, ये सब आप देखिए। इतना बता दे रहे हैं अगर प्रकाश चला गया ना तो हम चलो भैया अब तुमने फैसला कर ही लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। और क्या, वैसे भी यहाँ क्या धरा है, गांव में अनपढ़ की भी इज्जत है। तुम्हारे यहाँ जब तक दो लफ्ज ना पढ़ लो कुछ होता ही नहीं। हाँ सो तो है। अच्छा तुम प्रकाश को भी साथ ले जा रहे हो क्या? नहीं अब वो आकर क्या करेगा, पहले खुद जाकर कोई काम पता कर ले, थोड़ा समझ जाए फिर उसे भी बुलवा लेंगे। वैसे मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, तुम सब हो ना। लक्ष्मी भाभी ये खबर सुन के बहुत खुश होंगी, जब से तुम्हारे गांव जाने की खबर सुनी है चौरसिया भैया कह रहे हैं कि भाभी तो रोए जा रही है। प्रकाश कह रहा था हमसे बहुत चाहती है। हाँ। चलो अच्छा है मां का प्यार मिल गया। क्या कर रही हो, ये ठीक नहीं है, रुक जाओ बस। क्या ठीक नहीं है, सुना नहीं आपने उसकी माँ की बात कर रहे हैं, वो जरूर उसे ले जाने वाले हैं। आप तो कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहिए अपनी पान की दुकान पर, हम बोलेंगे तो जरूर मान जाएंगे। वैसे भी उसकी माँ। अरे भाभी आप प्रकाश को यहीं छोड़ जाइए हमारे पास, हम नहीं जाने देंगे उसे, नहीं जाने देंगे, हम उसे अपने पास ही रखेंगे। छोड़ जाइए क्या, क्या कह रही हैं आप? हम तो यही कहेंगे ना कि हम कैसे छोड़े हमारा बच्चा है, हम भी तो यही कह रहे हैं, हमने उसे अपने बच्चे की तरह रखा है। आप कुछ भी कहिए वो नहीं जाएगा। हे लक्ष्मी। नहीं प्रकाश यहीं रहेगा। भाभी वो कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं रहेगा आपके पास, मुझे मालूम है आप उसे बहुत प्यार करती हैं, वो कहीं नहीं जाएगा, यहाँ वो ठीक है। ठीक है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है। चल बेटा अब अपना ख्याल रखियो हैं, और सुन किसी को तंग मंग मत करियो। अच्छा भैया अच्छा राम राम, ध्यान से जाना है। चल अरे अब तो तुम खुश हो, तुम्हारा बेटा यहीं रह गया। क्या तुम अपनी किताबें इधर उधर फेंक देते हो भाई? पापा की है। पापा की? अरे वो राजेश को पढ़ाने के लिए रखी किताब। और वो रमेश हमसे कह रहा था तुमको कुछ नहीं आता। मजाक कर रहा होगा। मूर्ख है मूर्ख एकदम। ये 3 साल से सिनेमा में काम कर रहा हूँ,
यहाँ का काम कर पाओगे? क्या काम है, लोग जो ऑर्डर देंगे वही तो भेजना होता है। यहाँ पर फोन पर ऑर्डर आते हैं, उसको लिखकर घर पे भेजना होता है। लिखकर? हाँ। कर लोगे? जी। हेलो, हाँ, काली मिर्च, आटा, आटा 5 किलो। काम करोगे तो अभी से शुरू कर दो। जी अच्छा। किधर है? मच्छर है भाई। आका डंडा हरा। डंडा हा हा हरा हरा रा रा हा का डंडा हा का डंडा हा राह 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 नहीं राह आ का डंडा आ राह 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 आ का डंडा पढ़ रहे बहस बच गए भैया। पढ़ो फिर। हाँ अरे कहाँ थे हम? हम थे आ का डंडा पे। मा मा र र मर ह ह म हम। अरे हम मर जाएं, क्या पढ़ा रही हो? मर हम दवाई वाला लिखो। देखो ये सब बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा। अरे हम सारा दिन पढ़ते ही रहेंगे तो फिर काम काज करके तुम लोगों को खिलाएगा कौन? बापू थोड़ा मुश्किल तो है पर हिम्मत मत हारो। देखो तो न कुछ दिनों से कितना अच्छा गया है। अनानी मैडम भी यही कह रही थी। हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन इतना टाइम कम है, हम कब पढ़ेंगे? क्या हो रहा है भाई, तुम पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो? वो चाचा मुझे आज स्कूल में काम दिखाना था, मैंने सोचा जरा बापू से करा लूं, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। वैसे आप यहाँ पे इस वक्त बेवक्त क्या करने आए? ओ तुम्हारे भाभी को थोड़ी शक्कर चाहिए थी, ला तो बेटा। जाओ बेटा जाओ। देखो बेटा हम तुम्हारे लिए ये लिख दिए हैं, हाँ तो तुम ले जाना स्कूल में। अगर हम शाम को मिलते हैं। हमें तो बहुत अजब लगा भैया, इसलिए तुमसे कह दिया। हम तो यही धक्का मार के घुसाए थे मगर चतुर जी तो एकदम हड़बड़ा से गए। पर मान लो कुछ बात तो है, अब तो तुम्हें भी अजब लगने लगा है? क्या है क्या नहीं है समझ नहीं पा रहे? ना ना कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा। ये राज का पर्दा फास करके रहेंगे अब हम। लो किलो रिखा। अला अला। अच्छा भाई मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा काम संभाल लोगे? हाँ लाला जी जाइए। अरे वाह। हेलो, हाँ ऑर्डर दीजिए। कहाँ से? 421। हाँ बोलिए। हाँ हाँ 5 किलो चीनी, 4 किलो आटा, 250 ग्राम मिर्च पिसी हुई, अच्छा 2 रूह अफ़ज़ा की बोतल और हाँ ठीक है, हाँ भिजवा देंगे। अरे चिंता ना करिए। हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ बोलिए, ऑर्डर लिखने तो बैठे हैं। एक हाँ 10 किलो चावल, 5 चक्की हमाम, अच्छा 250 ग्राम क्या जी, अच्छा हाँ और हाँ पड़ी है 1 फेविकोल, अच्छा नहीं भिजवा देंगे अभी जी।
हेलो, हाँ हाँ 421 से, हाँ साबुन लिखवाए हैं, नहीं कितना, अरे 10 चक्की पूरे शहर को नहलाएंगे क्या? हाँ नहीं नहीं वो पहुंच जाएगा, हाँ हाँ ये 5 किलो मिर्च 250 ग्राम चीनी और ये 10 बोतल फिनाइल और 4 किलो फेविकोल। ये लो मैम कोटा का। अरे वाह, तुम्हारे चतुर चाचा तो बहुत जल्दी जल्दी सीख रहे हैं। रोज रात को घंटा पढ़ते हैं। अच्छा, मैं और राजेश कभी कभी उनकी मदद से होते हैं, पर बापू हमसे नहीं पढ़ना चाहते, खाली दीदी से पढ़ना चाहते हैं। क्यों? वो कहते हैं कि हम सबसे होशियार हैं। तो क्या वो रेखा दीदी की शादी नहीं करना चाहते? चाहते तो हैं, पर वो खुद ही कह रहे हैं कि पढ़ाई के बाद उनकी शादी होगी। इस बात से दीदी बहुत खुश है। खुश तो होगी ही, उसे छोटी सी जीत जो मिली है। हेलो, हाँ फिनाइल की जगह सॉस आ गई। अरे ये क्या किया, फिनाइल की जगह सॉस भेज दी। जी वो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? तुमने तो बोला पढ़ा लिखा हूँ। नहीं मैं नहीं हूँ। हेलो, हाँ काली मिर्च इलायची आ गई। अरे क्या काली मिर्च की जगह इलायची लिख दी? जी गलती हो गई। तुम तो कह रहे थे मैं पढ़ा लिखा हूँ। जी नहीं, मैं सीख जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, चलो 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 ना, बापू तो काफी कुछ सीख गए, अब तू भी पढ़ना शुरू कर दे। ना बाबा ना, हमसे नहीं होगा, तू पढ़ना। वैसे भी तेरे बापू को अच्छा नहीं लगेगा, इसमें बुरा लगने की क्या बात है, तू पढ़ना ही तो सीख रही हो। तू पढ़ सा, तुझे कौन रोकता है, हमको मत घसीट इसमें। हर्जी क्या है, थोड़ा पढ़ लो तो कभी कभी किताबें पढ़ते रहना। नहीं हमको नहीं कोई शौक, वैसे भी हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे, हमको कौन सी नौकरी करनी है। पढ़ाई नौकरी के लिए थोड़ा ना की जाती है, खुद के लिए की जाती है। तुम नहीं चाहती कि जब बापू तुम्हें शहर से चिट्ठी लिखे तो तुम अपने आप पढ़ पाओ, तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े, और जब तुम बापू को लिखो तो अकेले में लिख पाओ, है ना माँ? ए, ला बेटा मेरे को दे दे ताला, जा तू घर जा, नहीं तो चाची बहुत नाराज हो जाएगी। अरे रमेश भाई बहुत देर कर दी आज, सब ठीक ठाक तो है? अरे क्या ठीक है, हमें फिर से नौकरी से निकाल दिया, हम तंग आ गए हैं, हर बार उसी बात में बेइज्जती कि हम अनपढ़ हैं। अब भाई अनपढ़ है कोई पागल थोड़ी, हमारे लिए कोई काम ही नहीं बचा। अरे इतना गुस्सा काहे करते हो यार, तुमको और कोई नौकरी मिल जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं है, बिगैर टॉर्च वाली मिल जाएगी। अरे नहीं, हमें तो लगता है वैसी कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी दोबारा। अरे पढ़ाई लिखाई से फिक्र मत करो, हवलदार कह रहा था बड़े लोगों की भी पढ़ाई होती है, तो शुरू हो जाए ना। अब पढ़ाई करें या नौकरी करें, पहले तो हम जाके नौकरी ढूंढे अपनी पुरानी वाली, पढ़ाई का टाइम किसके पास है? मिल जाएगी तो फिक्र मत कर। अरे फिक्र का क्या बात है, जिंदगी अच्छी हो तो फिक्र होता है, अब जिंदगी इतनी बुरी है तो फिक्र का कोई बात नहीं है। बात तो तुमने बिल्कुल, ये ठीक है, अब ये लिखो। अच्छा पता है मास्टरनी जी कहती है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे ना तो आपको सचमुच में पढ़ना लिखना आ जाएगा। हाँ, तो फिर रमेश चाचा और चौरसिया चाचा से आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। हाँ। तब तो आपको कोई बहाना नहीं लगाना पड़ेगा, और वो चश्मे वश्मे सब साफ हो जाएगा। सब साफ तो हो गया, अब आया ना समझ में, कहा था ना चतुर भैया उल्लू बनाया हम दोनों को। सारा चक्कर साफ हो गया है, तुमने हमारे विश्वास का मजाक किया, मजाक। भैया कोई भैया नहीं है। नहीं हमारी बात तो सुनिए। क्यों, बहुत सुन लिया, अब और क्या बोलोगे, और कोई झूठ बोले हो क्या? आज के लिए इतना ही काफी नहीं है क्या? चला रहा मैं चला, यहाँ झूठ की बदबू आती है। शुक्रिया, बहुत अच्छा किए हो तुम। आपसे जरा बात करनी थी। हमने नहीं बात करनी,
ना बात करनी है ना मुलाकात करनी। देखो चतुर भैया, अब ये दुकान तुम्हारे लिए बंद है, तुम जाओ। अरे एक बार में? एक बार क्या, फिर से कोई झूठ बोलोगे क्या? अरे मेरी बात तो सुन लो। चतुर भैया हमें भी कुछ सुनाओगे? हम सुनते हैं। क्या सुनाओगे? कहा खा का कोई चिट्ठी तुम पढ़कर सुनाओगे, जो तुम्हारी मर्जी हो। बहुत गड़बड़ किया रहे तुम, जरा सोच ही लिया होता कि इनमें से कौन इतना पढ़ा लिखा है कि जिसका देखा देखी तुम झूठ बोलते रहे। बापू पढ़ लो। मैं नहीं पढ़ना है। क्यों, क्या हुआ? थक गए? राजेश को बुला दूं, पैर दबा देगा। हमें पैर नहीं दबाने हैं, हमें पढ़ाई भी नहीं करनी है। जब से पढ़ाई का चक्कर शुरू है सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। कोई हमसे मोहल्ले में बात करने को तैयार नहीं है। ये भलाई खराब है, हमें नहीं पढ़ाई करनी है, नहीं बनना आगे बड़ा आदमी। और बाबा उन्होंने पढ़ने से इनकार कर दिया, सारी मेहनत बेकार चली गई। अब वो कहते हैं पढ़ाई के आसपास भी नहीं जाएंगे। कुछ करो ना पापा, रेखा दीदी, प्रकाश, राजेश सब लोग टेंशन में। प्लीज पापा कुछ करो। अब कोई फायदा नहीं है साहब, हमारे सारे दोस्त हमसे नाराज हैं। मैडम हमारा तो उठना बैठना भी दूभर हो गया है। पहले सब कुछ ठीक था, अब जब से पढ़ाई शुरू की है सब गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा है। चतुरलाल चतुरलाल देखो, जो होना था सो हो गया ना, अब तुम आगे की सोचो। अरे बच्चों ने कितनी मेहनत की है, तुम उसको ऐसे ही बर्बाद होने दोगे क्या? ध्यान दीजिए, देखो तुम्हारे दोस्त समझते हैं कि तुम झूठे हो। तुम अपनी मेहनत जारी रखो, और जब तुम अपनी मेहनत जारी रखोगे तो तुम्हारा झूठ सच में बन जाएगा। मतलब ये कि तुमने अपने दोस्तों को कहा है कि तुम पढ़ लिख सकते हो, अब असल में तुम उन्हें पढ़ लिख कर दिखाओ, और जब उनके सामने तुम पढ़ दोगे तो तुम्हारा झूठ सच बन जाएगा। तुम वैसे इतना अच्छा कर रहे हो, मंजिल के एकदम करीब पहुंच गए, आप क्यों हार मानते हो? हाँ सबको बता दो कि चतुरलाल वाकई कितना अच्छा तो है। अरे मैडम हम कहाँ के चतुर हैं? क्यों? अगर चतुर होते तो ये ना बताती, अगर समझदार होते तो झूठ काहे को बोलते। हमें लगा कि अगर लोग समझेंगे कि हम शिक्षित हैं तो हमारी इज्जत बढ़ जाएगी, और यहाँ तो पास ही उल्टा पड़ गया। अब पढ़ लिख कर क्या फायदा? फायदा है, आजमा के तो देखो। अब तुम उन्हें वाकई दिखा दो कि तुम उनकी इज्जत के लायक हो। अच्छा सुनो, अपने लिए ना सही उन बच्चों के लिए कर दो। हा? उनकी मेहनत को तो अंजाम दो, सोचो वो कितने खुश होंगे। हा? तुम अपने दोस्तों की फिक्र मत कर, जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम अपने इरादे में कितने अटल हो तो वो खुद ब खुद तुम्हें वापस अपना लेंगे। देखिए हमने जो आप लोगों से झूठ बोला था उसके लिए हम शर्मिंदा हैं, हमारी गलती थी, लेकिन अब हम उसी झूठ को सच करके दिखाएंगे दिखाएंगे। सच कहो या झूठ, अब तो चतुरलाल सचमुच हमसे आगे निकल रहा है, और हम वहीं के वहीं बैठे रह गए गवार। अब कुछ भी कहो, इसमें भी सीखने की कुछ बात है। वो क्या है? यही कि अगर हम भी चतुरलाल की तरह मेहनत करें तो हम भी पढ़ लिख सकते हैं। बात तो ठीक कह रहे हो, हम अगर उसकी तरफ हाथ बढ़ाए तो वह हमारा हाथ थाम सकता है। अब उसने ये सब क्यों किया? हमारी इज्जत पाने के लिए ना, अब तो असल में हमारी इज्जत का हकदार हो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक कही तुमने, वैसे भी हमारा दिल बड़ा सूना सूना है उसके बगैर। हमें भी कुछ हफ्तों से नींद नहीं आ रही। अब मान लिया उससे गलती हो गई,
लेकिन हम कौन होते हैं उसकी गलती को ना माफ करने वाले। देखो चतुर भैया, अब जो तुमसे गलती हुई सो हुई, ठीक है। अब रमेश और हमारी ये सोच है कि तुम्हारे बगैर मियां बहुत सुना सुना लगता है। हाँ, अब तुम हमारा फिर से दोस्त बन जाओ। हमें भी बहुत अजब लग रहा है, हमें टांग खींचने वाला कोई नहीं रहा ना। अब तो तुम पढ़ लिख रहे हो, अब हम तुम पर शक भी नहीं कर सकते। तो हम तो कहते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ पढ़ना लिखना शुरू कर दो। हाँ, कर रहे हैं। बीड़ी पियेंगे? हाँ, पिला दो। मुश्किलों से बचना, उनका सामना करना तो जिंदगी का सबसे दिलचस्प खेल बन सकता है। एक इंसान के लिए ये सफर अकेले तय करना बहुत मुश्किल होता है। कौन सा मोड़ कहाँ जाए, हम उस मोड़ पर किधर निकल जाएं, इसलिए हर मोड़ पर किसी ना किसी का सहारा ढूंढ लेना चाहिए। फिर साक्षरता की मंजिल तक पहुंचना सबकी सच्चाई बन सकती है। इस सफर में एक बात याद रखनी चाहिए कि साक्षरता कोई आसान मंत्र नहीं है। मन में विश्वास रखना है कि मुश्किलें लाख आए, अपनी मंजिल को पाकर ही रहेंगे, झूठ को सच बनाकर ही रहेंगे। ये तो एक लड़ाई है, और इसका अंजाम तो तभी तय हो जाता है जब हम लड़ने का दृढ़ निश्चय कर लें, क्योंकि इसमें लड़ते रहने का मतलब ही जीत है। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हम सब पढ़ेंगे।